पूर्व सांसद और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही टिकटों की हरियाणा प्रदेश में घोषणा करेगी। 31 मार्च या अप्रैल के पहले सप्ताह से पहले टिकटों की घोषणा हो जाएगी। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि आज दुनिया के देश अमेरिका और जर्मनी भी भारत को कह चुके हैं कि केजरीवाल के साथ न्याय हो। लोकसभा के चुनाव पर कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाना ये संकेत देता है कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जमीनी हकीकत अलग है, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला गया। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी का नाम ना लिया जाता हो, उनके विकास कार्य को, उनका कार्यकाल जो नहीं याद करते। सब की सब लोग याद रखते हैं चौधरी बंसीलाल जी को और एक विचारधारा जो उनकी थी। उन्होंने सबके लिए काम किया, हर एक जिले के लिए काम किया, हर एक गांव के लिए काम किया, हर एक बिरादरी के लिए काम किया। तो एक मिसाल उन्होंने अपने टाइम पर बनाई और आज लोग उनको याद करते हैं, उनकी कमी महसूस करते हैं। बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला लोगों को। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहां पे वो अपराध उनका प्रूव भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए। सारे कांग्रेस के लोग उधार लेके खुद ही चल रहे हैं, इनके पास कौन से कैंडिडेट्स हैं? और किसी को एक घंटा पहले ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को 2 घंटे पहले ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये तो अपनी खुद की बेबसी और व्यवस्था को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है टिकट लेने के लिए।